नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड साइक्लोपीडिया विथ अनदर एपिसोड। सो टुडे विल गो टू रमेश कुल्फी। यहाँ पे कुल्फी हम नहीं खाएंगे, यहाँ का बहुत अच्छा स्टोरी है, पहले आप स्टोरी सुन लीजिए। 1966 का स्टोरी है, जब रमेश प्रसाद ने जसीडी से निकला था, बाद वो आ गया जमशेदपुर में, हम लोगों का प्यारा सिटी जमशेदपुर में, जो सबको वेलकम करता है, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ पे आके उनको सिर्फ आता था कुल्फी बनाना, और उसके बाद वो समोसा बनाना चालू किए और बहुत पॉपुलर हुआ। तो वहाँ से वो जुगसलाई में पहले अपना ठेला खुला, उसके बाद वो नटराज होटल का बाहर में उनका जो शॉप था जिसमें कुल्फी मिलता था, बहुत पॉपुलर हुआ। उनके बाद वो 1972 में, ये जो आप देख सकते हैं मेरा पीछे रमेश कुल्फी है, ओपन किया। तो उनका कुल्फी से स्टार्ट हुआ था, और सिंघारा से 1972 पे जो क्राइसिस का टाइम था बोला जाता है, वहाँ पे उन्होंने 15 पैसा से बढ़ा के समोसा 30 पैसा में बेचना चालू किया। उनका जो अट्टे मटन है बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है, और सूखा बनता है, उसमें पानी यूज नहीं होता है। तो आज वो ट्राई करेंगे अट्टे मटन। और थैंक यू एवरीवन, ये जो हम लोग का चैनल है इसमें आपको बहुत सारा फूड व्यू मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग अपना व्यू को देते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको यहाँ पे आना है खाना है, ये मेरा जो व्यू है वो आप लोग के सामने में रखता हूँ। लेकिन थैंकफुल कि बहुत मेरा फ्रेंड लोग वो जगह में बाद में जाता है और खाता है और मेरे को कमेंट शेयर करता है। तो आप अगर जमशेदपुर में आएंगे तो ये रमेश कुल्फी का अट्टे मटन जरूर ट्राई करना और मेरे को बताना कैसा लगा था। थैंक यू। चलिए देख, तो हम लोग आ गए हैं आज रमेश कुल्फी में, जैसा प्रॉमिस किया था। तो बहुत सारा वैरायटी का मटन मुझे दिया गया है, ये अट्टे मटन करी है जिसका बारे में मैं बोल रहा था, जिसका स्टोरी में मैं बता रहा था। ये बहुत खूबसूरत देखने में है, एकदम जूसी है, सॉफ्ट है, मैं सही में वेट नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सुंदर है, मसाला जायका इतना उभर के आ रहा है, इतना सुंदर लग रहा है, गर्म में पूरा। और मेरे को स्पेशली भैया जी ने स्पेशली लीवर दिया है, लीवर फ्राई, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए काजू से भी बनाया गया है, काजू भी दिया है, इसका रोगन देख सकते हैं, एक बार रोगन दिखाइए, रोगन देख, ये मेरे को दिखता है कि ये है चुस्ता, इसमें स्पेशली कलेजी पैक वो सबसे बनता है, अलग अलग स्पेशलिटी का है। जमशेदपुर में मटन खाना है, यहाँ पे आपको आना ही है, रोटी से ट्राई करेंगे। मेरे को भैया जी ने सजेस्ट किया कि आप रोटी से खाइए, बड़ा मजा आएगा। बहुत सुंदर लग रहा है, इतना जूसी, क्या मसाला है, इसका रोगन तो मतलब सब कुछ फिल कर जाएगा। यहाँ पे आपको ज़रूर एक बार विजिट करना चाहिए यहाँ का मटन खाने के लिए। अगर आप मटन का फैन है तो यहाँ पे ज़रूर आइए, यहाँ का मटन ट्राई कीजिए। ये मंटू जी है, ये दिमना में रहता है, ठीक है। तो ये आज मेरे को खाना परोसते हैं, बहुत ही बढ़िया है, सुस्वाद है, जायका इसका बहुत अच्छा है, एरोमा सब कुछ में टॉप क्लास, मटन बहुत अच्छा बनाया है। मेरे को तीन चीज आज दादा ने दिया है, कुछ बताइए क्या क्या मिलता है यहाँ आपका। बोलता मटन, चिकन, मच्छी, मुर्गा, चुस्ता, कलेजी, फेफड़ा, घोड़ी, मुंडी, ये मेरे पास पूरा आइटम मिलता है। इसके बाद चावल में मिलता है आपका देहरादून चावल, इंडिया गेट क्लासिक मिलेगा, गोल दाना का चावल मिलेगा, 555 चावल मिलेगा, सीसासली चावल मिलेगा, गोल दाना का सबसे छोटा बढ़िया से बढ़िया चावल मिलेगा, ठीक है, रोटी मिलेगा, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, इसके भेज में आपका मटर पनीर, मिक्स वेजिटेबल, आलू पटेल का सब्जी, प्याज आलू का भुंजिया, भिंडी का भुंजा, करेला का भुंजा, मिक्स वेजिटेबल, हर आइटम हम लोगों के पास यहाँ प्रस्तुत है। आपको आना ही पड़ेगा, बहुत जगह से नाश्ता में आपका छोला भटूरा, पाव भाजी, डोसा, कुल्फी, मीठा, कचौड़ी, आलू चॉप, सिंगाड़ा,
चाट, वेजिटेबल, दही बड़ा, ये आइटम यहाँ पर आपको एनी टाइम प्रोजेक्ट मिलेगा। 365 दिन, एक दिन भी फ्री नहीं। भाई जी पूरा मेन्यू बता दिया है, बहुत बढ़िया है, आप लोग आइए ट्राई कीजिए। एक एक डिश मटन का बहुत सुस्वाद है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये ना सारा सब्जी है, ये दाल है, ये आलू का एक सब्जी लग रहा है, आलू सब्जी है, ये गोभी आलू है, ये पटल आलू है, भिंडी भुजिया है, ये पनीर मटर पनीर, बीन्स या बरबटी का सब्जी होगा, ठीक है। तो और सैलड भी है, देखते हुए सैलड भी है। तो हम पहले फर्स्ट दाल से चालू करते हैं, दाल और आलू भुजिया से स्टार्ट करें। दाल गाढ़ा नहीं है, पतला है, फिर टेस्टी है, आलू भुजिया भी अच्छा है, तो अच्छा लगा। तो एक गोभी आलू, एक मिक्स्ड वेज है, इसमें गोभी आलू मटर कैप्सिकम सब है, तो ये मिक्स्ड वेज भी ट्राई करके देखते हैं कैसे है। एकदम ठीक है, टेस्ट सही है। तो ये पटल आलू है, बहुत सारा वेज दिया है, ये पटल आलू का सब्जी देखो, ये पटल है एकदम सूखा, मतलब सब्जी एकदम सूखा है, पानी यूज नहीं कर रहा है, तो इसीलिए बहुत टेस्टी लग रहा है ये सब्जी। पटल आलू भी टेस्टी है, तो ये प्याज दे के बनाया है, प्याज भिंडी है, ऐसे तो भिंडी मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत फेवरेट है मेरे को। सही, ठीक है। ये मटर पनीर है, मटर पनीर ठीक है, मटर पनीर भी ठीक है, उतना खास नहीं है, ठीक है। इधर ज्यादा अच्छा है जो अट्ठे मटन, वही सबसे नॉन वेज बहुत अच्छा है, अट्ठे मटन खाने के लिए तो इधर आना ही पड़ेगा एकदम। कहते कि आप कुल्फी नहीं खाया तो क्या खाया, और रमेश कुल्फी में आया तो कुल्फी नहीं खाया तो बेईमानी होगा। तो कुल्फी मटन बहुत अच्छा था, गजब बना था, वही जायका, वही स्वाद, और सबसे अच्छा है जो परोसने का जो अंदाज है, बहुत अच्छा है। मलाई का जो फ्लेवर है उसके साथ ये सुंदर फालूदा, गजब टेस्ट है, बहुत बढ़िया है कुल्फी। रुआब्जा का फ्लेवर आ रहा है, पिस्ता, रुआब्जा, इतना सुंदर मलाई, बहुत सुंदर कुल्फी, बहुत मजा आया, पूरा आज का मील मजा आ गया। जुड़े रहिए मेरा चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, सबको शेयर कीजिए ये वीडियो, सब लोग देखेगा, जितना लोगों तक ये वीडियो आप लोग पहुंचा सकते हैं तो और सबको सुविधा होगा, और मेरा वीडियो सब लोग देखते हैं, मेरे को कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, फूड जन से और एक जन को जुड़ता है। तो आप लोग ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यहाँ पर ज़रूर आइए खाने। थैंक यू। जमशेदपुर साकी नियर जुबली पार्क, एक नंबर गेट के पास, जुबली पार्क का एक नंबर गेट के सामने ही है लाल जी का दुकान, लाल जी कुल्लर टी, लाल जी लोकपुरी कुल्लर टी, लाल जी लोकपुरी कुल्लर टी, बहुत पॉपुलर है, स्वागत है, आइए, वेलकम, सेवा करते हैं। भैया जी सबको इनवाइट कर रहे हैं, सब लोग आइए चाय पीने, और बहुत अच्छा लगा मुझे। तो देख सकते हैं मैं बहुत खुश हूँ, केसर एलआईसी चाय, वाओ,
इससे बढ़िया तो नहीं हो सकता। केसर आप देख सकते हैं, तूफान तूफान बहुत खूबसूरत लग रहा है। जायका क्या लग रहा है, बहुत अच्छा। बहुत टेस्टी है चाय, बहुत टेस्टी। आप लोग भी आइए, सुबह 6 से 10 बजे तक खुला रहता है। बहुत स्पेशल चाय है ये।